सो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा ऑल्टो का BXI मिडल मॉडल है। इसका टॉप मॉडल भी आता है, लोअर मॉडल ऊपर स्टोर में है, तो भी आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या उसमें मिल जाता है। पर जो जो मैंने आपको इसमें दिखा रहा हूँ, सो मतलब काफ़ी चेंज कर दिया। आगे से इसकी ग्रिल आपको देखो तो ग्रिल पूरी चेंज कर दी है, लाइट्स पूरी चेंज कर दी है, लोगो वही है हमारा सुजुकी का। टॉप मॉडल में आपको दो एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर उसका फ्रंट लुक दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है स्टेयरिंग का, आगे से इंटीरियर दिखाऊँ तो कुछ ऐसा मिल जाता है। तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई हमारी। और गाइस जो आज का व्लॉग होने वाला है, इस वीडियो का टाइटल थंबनेल देखा है तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है नई गाड़ी लेने के लिए। नई गाड़ी लेने जा रहा हूँ ये भी बोल सकते हो, यार कौन सी कार ले रहा हूँ आपको पता चल गया है टाइटल थंबनेल में, मुझे बताएंगे जो नहीं है। सो जो नहीं जानते तो वो भी आज जान जाएंगे कि तुम्हारे भाई के पास ऑलरेडी एक कार है ऑल्टो, हाँ नहीं दो कार ऑल्टो, तो ये तीसरी कार आने वाली है अपनी फैमिली में। बट इस टाइम ऑल्टो का क्या प्राइस चल रहा है, क्या क्या नए नए फंक्शंस आए हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट मुझे सिटी में जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, बट कोई बात नहीं चलते हैं, गाड़ी लेनी है यार और आपको दिखानी भी है। तो इसी बात पर भैया अभी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको डल लग रहा हूँ क्योंकि अभी सो के उठाऊँ और कैमरा चालू कर लिया तो थोड़ा थोड़ा ना मन के अंदर होता है कि यार कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, एक्सप्लेन कैसे करूँ, लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा। मैं जानता हूँ इस वीडियो में बहुत लोग मुझे पसंद भी करेंगे, बहुत लोग पसंद नहीं भी करेंगे, कहेंगे भैया आप तो बस दिखाते रहते हो, हवे में रहते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो देसी छोरा दिल्ली का। और अभी देखो अभी शोरूम से ही कॉल आ रहा है, सो अभी आपको कम बैक करते हैं इनसे बात करने के बाद और मिलते हैं आपसे। ये है हमारा ऑल्टो का BXI मिडल मॉडल है। इसका टॉप मॉडल भी आता है, लोअर मॉडल ऊपर स्टोर में है, तो भी आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या उसमें मिल जाता है। पर जो जो मैंने आपको इसमें दिखा रहा हूँ सो मतलब काफ़ी चेंज कर दिया। आगे से इसकी ग्रिल आपको देखो तो ग्रिल पूरी चेंज कर दी है, लाइट्स पूरी चेंज कर दी है, लोगो वही है हमारा सुजुकी का। बाकी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है पहले से और इसके ऑप्शंस काफ़ी सारे दें, तो एक बार आपको मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ दिखाता हूँ। सो एक बार दरवाज़ा खोलते हैं, ये है हमारा ऑल्टो VXI मॉडल है। और अगर दिखाऊं तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन चेंज कर दिए हैं हमारी पुरानी ऑल्टो मुकाबले। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले डोर पे यहाँ दो स्पीकर मिल जाते हैं, आपको दिखाऊं इसमें हमारे AC मिल जाते हैं और यहाँ पे हमारे दो सेफ्टी वाले मिल जाते हैं एयरबैग्स, तो मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। टॉप मॉडल में आपको दो एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर उसका फ्रंट लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा है स्टेयरिंग का, आगे से इंटीरियर दिखाऊं तो कुछ ऐसा मिल जाता है। अगर सीट दिखाऊं तो सीट्स कुछ ऐसी हैं गाइस, अब आप चेक कर सकते हो, तो कुछ आपको ऐसा स्पेस मिलता है यहाँ पे। अगर आपको देखें पैर रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप यहाँ से आगे का लुक कुछ ऐसा रहता है हमारा। एक बार आपको हम लोग पीछे से एक बार इसके डिक्की का स्पेस दिखाते हैं। ऑलमोस्ट तो 280 लीटर है, तो भाई वही है जैसे जो हमारी पुरानी ऑल्टो थी, तो ऑलमोस्ट उतना ही स्पेस है। बट यहाँ पे हाँ इस मॉडल में कुछ अलग से ये दे रखी है, यहाँ पे स्पीकर्स होते हैं या सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। अगर बंद करिए तो पीछे से कुछ लुक रहता है गाड़ी का ऐसा हमारा। A few moments later. So guys, ये हमारा यहाँ पे लोएस्ट मॉडल LXI का, तो एक बार आपको यहाँ से आगे का लुक वही आपको देखने मिलेगा। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में बहुत सारा चेंज आ जाता है। और अगर बात करें इसके शीशे की, तो भैया इसका शीशा अपनी सबसे पुरानी ऑल्टो जैसा देखने में लगता है।
अगर अंदर से स्पेस दिखाऊं इसका पहले खोल के, इसमें हमको एक एयर बैग मिल जाता है। जो मिडल मॉडल है, जो टॉप मॉडल है भैया बता रहे हैं, उसमें दो एयर बैग आते हैं। सो मतलब पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छी सेफ्टी होती है। पर लोअर में आपको यहाँ पे सिंगल एयर बैग मिलता है। अगर यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ स्पेस तो कुछ ऐसा रहता है। तो हमारा लोअर मॉडल में भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बट हाँ कुछ एसेसरी वाइज, कुछ लुकिंग वाइज थोड़ा इंटीरियर चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। हमारा टॉप मॉडल है, उसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इसमें हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम है। और जो इसका मिडल है, मिडल में थोड़ा फंक्शन वाइज देखने में अच्छा लग रहा है, बट वो भी नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम में बोलूंगा। सो गाइस, इस टाइम बज चुके हैं हमारे 12 बजने वाले हैं। और बताऊं तो यहाँ पे हमने दो वेरिएंट देखे हैं। जो हमारा टॉप वेरिएंट है वो अभी यहाँ पे स्टोर पे नहीं है, पर अगर बुक कराते हो तो वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। बस उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, मतलब म्यूजिक सिस्टम टच वाला उसमें है। बाकी इंटीरियर तो वही है ना भैया, पूरा 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 वही है। सो गाइस, घर आते आते तो हालत ख़राब हो गई। अगर टाइम दिखाऊं तो इस टाइम हमारे 4:25 हो रहे हैं, बोले तो 4:30 हो गए हैं। आते आते शाम हो गई, मैं निकला था सुबह को, क्योंकि आम सी बात है यार, जो यहाँ से मेरा सिटी है बलिया, वो भी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर जाओ तो 50 किलोमीटर आओ, जैसे कोई 55 किलोमीटर मान लो, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 100 किलोमीटर पड़ गया। बट अगर बात करें तो जो आज हमने आपको कार दिखाई है, सबसे अच्छी बात बताऊँ तो हमने कार बुक करा ली है। कौन सी कराई है? ऑल्टो में, मतलब कि हमने हाई मॉडल करवाया, लो मॉडल करवाया, मिडल मॉडल कराया। तो ये तो आज इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग रियल में टेकिंग डिलीवरी माय न्यू कार ऑल्टो 800 करेंगे, तो उसमें हम आपको बताने वाले हैं। पर जाते जाते आपको हम लोग मॉडल का एक बार डिटेल बता देते हैं कि हमको क्या क्या मिल रहा है कार के साथ और किस प्राइस में मिलती है ऑन शोरूम, मतलब कि ऑन रोड कितने की पड़ती है। जो सबसे पहले हमारा लो वेरियंट है उसका है ऑल्टो LXi, जिसमें आप यहाँ पे इसकी डिटेल देख रहे हो, जो डिटेल आ रही हैं और जो इसका प्राइस आ रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। अगर चलते हैं, हमारा यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है वो है हमारा ऑल्टो UXi, जिसमें हमारा आता है इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो है हमारा टच वाला नहीं है, वो नॉर्मल ही है। बाकी इसकी खास बात है कि इसमें हमारे दो एयर बैग मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड मिलता है, एक पैसेंजर साइड मिलता है। बाकी थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल रहा है। तो बढ़ते हैं अगले मॉडल पे, जो हमारा टॉप वेरिएंट, ये हमारा ऑल्टो का UXi T। तो इसमें मिडल मॉडल के मुकाबले अगर बात करें तो म्यूजिक सिस्टम जो है इसका टच वाला है। बाकी ऑलवेज मेरे को काफ़ी सेम ही लगा, इतना कोई डिफरेंस नहीं लगा है मिडल से टॉप वेरिएंट में। तो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस भी आपको यहाँ मेंशन हो रहा है। और स्पेशली अगर गाइस अगर बात करें तो मुझे स्टोर वालों ने काफ़ी अच्छा ऑफर मुझे प्रोवाइड किया। उन्होंने बोला कि भैया अगर आप अभी बुक कराते तो ऑलमोस्ट आपको 25 से 26 हज़ार रुपये का जो इसका प्राइस है उसमें लेस हो जाएंगे, मतलब 25 से 26 हज़ार रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट काफ़ी अच्छा लगा, पर मैं उनसे थोड़ा बहुत टाइम मांगा और मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, और मतलब जान पहचान में थोड़ा बहुत और डिस्काउंट हो गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है। तो कार मैंने बुक कर ली है, अब देखते हैं जिस दिन हम इसकी डिलीवरी लेंगे तो उसका वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। और हमारे फैमिली में एक और, मतलब तीसरी ऑल्टो आ रही है, तो इस चीज़ की अलग ही खुशी होती है। सो गाइस, ये बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आती है तो इसी बार वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और छोटी सी चीज़ जल्दी आ रही है, ठीक है। सो भाई, घर आते आते हालत पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि यूपी में गर्मी पड़ना चालू हो गई है। और मैं जब कार में निकला तो एसी चला के निकला था, जैसे कार से निकला तो भैया इतनी गर्मी लगी ना
कि मैंने भैया सोचा कि पहले घर जाता हूँ, आराम करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। अब कार में से एंड नहीं होगा। सो क्या करें भाई, ऐसा सब भी देखना पड़ता है। सो गाइस ये सब छोड़ते हैं, ये बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आती है भाई, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइस वीडियो एंड का टाइम आ चुका है, मैं अभिषेक, आप देख रहे हो देसी शो दिल्ली का यूट्यूब चैनल। तब तक लिस्ट आई नो अपना देसी तरीका, बूम राम राम।